अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम ने सीखा था ये स्लाइडर को अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे इंटर करते हैं। आज हमारा थोड़ा सा बस काम है और फिर ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो ये है कि एक तो यहाँ पे हमारी पिक्चर रहती है पुट करने वाली, और हमारा ये जो बैनर है, बैनर को हमने कंट्रोल करना है, जो कि हमने अभी तक बैनर को कंट्रोल नहीं किया, ना तो बैनर के अंदर कोई चीज़ ऐड की है। ठीक है, आज हम इसके अंदर करते हैं काम। और जैसे ये हम होम में हमारे काफ़ी सारी ये जैसे एडवर्टाइजमेंट चल रही है, इसमें भी चीज़ों को इंटर करना है। तो ओपन करते हैं हम अपने सब लाइन को। अब यहाँ पे हमारा सब लाइन ओपन है। सब लाइन के अंदर हम ऐसा करते हैं कि ये होम को उठा के रख लेते हैं। ठीक है, सबको हमने इसके अंदर रखना है, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या करना है, आज इसको कंप्लीट कर देना, और कल से इंशाल्लाह हमने यहाँ पे सी एस एस का कोर्स स्टार्ट करना है कि सी एस एस में हम वेबसाइट को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपन हो चुके हैं सब के सब टैग। ऐसा करते हैं, इसका जो बैनर है, बैनर के अंदर हमने क्या करते हैं कि बैनर लगाना है। बैनर के अंदर हमने यहाँ पे एक पिक्चर लगानी होती है, और जाके देखते हैं हमारे पास पिक्चर वैसे पड़ी कौन सी है जो इसके अंदर बैनर के लगा सकें हम, जो अच्छी और ठीक हो। ऐसे करते हैं ये ए बी सी, ये 30 वाली, ये वाली पिक्चर को यहाँ पे मैं करता हूँ कि पुट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए अब हम करना क्या है, इसके लिए हम करते हैं कि अपने जाते हैं बैनर वाले एरिया में, यहाँ पे जाके इमेज का एक टैग लगाते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही सिखाया है। मैं कहता हूँ कि इमेजेस में जाए और जाके क्या करे, ए बी सी 30 वाली पिक्चर को वहाँ पे पुट कर दे। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करते हैं, अभी तक पिक्चर नहीं आई। तो क्यों नहीं आई जी? हमने इसके अंदर देखे ना, जेपीजी नहीं दिया मैंने, ये लाजमी हम लोगों ने देना है। इसका जो है ना जेपीजी, वो तो लाजमी देना है कि जिस फॉर्मेट में ये हमारे पास पिक्चर मौजूद है। अब मैंने यहाँ पे आके रिफ्रेश किया होम के अंदर, तो अभी भी इसके अंदर पिक्चर हमारे पास नहीं आई। ये पिक्चर हमारे पास किस वजह से नहीं आई? क्यों? क्योंकि हम ये काम कर ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर है। चलें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पिक्चर मौजूद है। ऐसा करते हैं, इसको छोड़ते हैं, होम के अंदर जाके ये काम करते हैं, क्योंकि हमने होम के अंदर काम करके फिर यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी करके सब में पेस्ट कर देंगे। यहाँ लिखते हैं इमेजेस में जाए, ए बी सी 30.jpg वाली पिक्चर को यहाँ पे पुट कर दें। और पुट करने के बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या तब्दीली लेके आनी है। जी ये तस्वीर है, और ये देखिए इसने हमारा सारा डायफ्रेम हमारा हिला के रख दिया। जितना भी स्ट्रक्चर था, सारा स्ट्रक्चर इसने खराब कर दिया। अब इन इसको मैनेज करेंगे, और मैनेज करने के लिए हमने करना क्या है कि इसकी विड्थ देंगे। मैं देता हूँ इसकी विड्थ, मैं कहता हूँ इसकी विड्थ 98 करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसकी हाइट करते हैं। मैं कहता हूँ जी हाइट इसकी करते हैं जी 245। ठीक है, ये हमारी अब हाइट हो चुकी है और विड्थ हो चुकी है। मैं यहाँ पे वापस आता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर, आके रिफ्रेश कर ले जी। ये मेरे पास जो मैंने बैनर के लिए जगह छोड़ी थी, वो भी मेरे पास आज बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बैनर के बैक पे ये कलर है, ये कलर थोड़ा सा डिफरेंट सा है, हम कलर इसमें कोई और ऐड कर लेते हैं। ये वाला हमने कलर यहाँ पे बीजी कलर यहाँ पे दिया था, आपको पता है हम कलर से कलर उठा के करते हैं। यहाँ पे रेड कलर दे देते हैं बीजी कलर में, कि ये बैकग्राउंड पे रेड कलर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। रेड के साथ ब्लू का कंट्रास्ट काफ़ी हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और ये हमारा बैनर बन चुका है। बैनर बनने के बाद ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे पिक्चर आती है। अब मैं कहता हूँ कि इसके अंदर भी एक पिक्चर को जाते जाते हम लगा जाते हैं, क्योंकि फिर तो हमारा यहाँ पे कभी आना तो पता नहीं कब होगा, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कंप्लीट हो जाएगी। तो किधर है पिक्चर का? ये वाला पिक्चर का मेरे पास टैग है। मैं यहाँ पे करता हूँ कि इमेजेस लगाता हूँ, मैं इमेज का टैग लगाता हूँ, और इन्हें कहते हैं कि इमेजेस में जाए और जाके ए बी सी कोई से वाली 12 वाली जो भी है .jpg वाली पिक्चर लगा दे। लेकिन इसकी जो विड्थ है, वो मैं कहता हूँ कि इसकी विड्थ हो 195, और इसकी हाइट जो हमने देनी है वो देनी है 175। देखिए ये वाली हमारी जो हाइट है ना, इसे हमने थोड़ी थोड़ी कम दी है। रिफ्रेश करके देखते हैं, अगर तो ज़्यादा कम होगी हाइट तो हम इसकी हाइट को इंक्रीज कर देंगे। काफ़ी है इतनी हाइट, अब ये हमारे पास मौजूद है।
मैं ऐसा करता हूँ इसके साथ एक और टैग यूज़ कर लेते हैं। आपको पता है हम एक रेफरेंस को टैग को यूज़ करते हैं कि पिक्चर किस लिए, ताकि पिक्चर बड़ी भी हो और पिक्चर स्मॉल भी हो, ठीक है। छोटी बड़ी पिक्चर तो लाजमी होना ताकि परफेक्ट पूरी बन सके। ये वाला टैग यहाँ से हम खाएंगे और कट करेंगे और यहाँ पे इसके आखिर में कहाँ तक हमारी पिक्चर यहाँ पे आके पेस्ट करके, यहाँ पे पेस्ट करके हम सेव कर देते हैं। जैसे सेव करता हूँ वापस अपनी वेबसाइट की तरफ आता हूँ तो लेंगे, अब इसके ऊपर क्लिक होगा तो पिक्चर बड़ी होगी, नहीं क्लिक होगा तो पिक्चर स्मॉल हो जाएगी। जैसे ये वाली पिक्चर थी हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने करना है क्या कि ये वाला जो हमारा बैनर है इसको पूरे को हमने ऐसे ही इसकी जो कोडिंग हमने इसमें की है हम इसको कॉपी कर लेते हैं, जो भी हमने इसके अंदर काम किया कितने हमारा बैनर वाला, ये वाला, ये बस टीडी को यहाँ से लेके हम कॉपी करते हैं। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सारे को कॉपी करने की, क्योंकि ये बल्कि ऊपर हमने कलर भी चेंज किया, इसलिए ये टेबल को, फ्रंट वाले टेबल को पूरे को कॉपी करते हैं और फिर आके यहाँ पे ये वाले टेबल के पास हमें यहाँ पे तो क्या कर देना, पेस्ट कर देना, सेव कर देना। ये काम हम फिर कॉन्टेक्ट अस के अंदर करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इसमें पेस्ट करते हैं और सेव करते हैं। ये कहता है बार बार बाय करो, हमने बाय करना ही नहीं है भाई सब, ये सब लाइन हमारे पास ये फ्री वाला ही इतना अच्छा चलता है, बाय करके हम क्या करेंगे, ठीक है। अब ये इसमें भी हो गया, ये लास्ट हमारा है रजिस्ट्रेशन, तो ये यहाँ से लेके तो यहाँ तक इसमें हम क्या करते हैं पेस्ट करके सेव करते हैं और फिर जाते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ। अब ये हमारी वेबसाइट है, ये देखिए जी गैलरी के पास भी हमारा ये गैलरी भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सिर्फ ये पिक्चर आती है, चलो पिक्चर को भी कॉपी करके यहाँ पे ऐसे ही हम पुट कर देंगे। ये हमारे पास अबाउट अस भी कंप्लीट है, ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट है, सारा कुछ हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जो आखिर वाली पिक्चर थी ना जो हमने लास्ट में ऐड की, वो पिक्चर ऐड करनी है, ठीक है। और ये फोटो एरिया रहता है, चलो वो भी आज अभी कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ फोटो एरिया को कैसे कंप्लीट करना। तो ये वाला ए टैग यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कॉपी करना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी कर लेते हैं और ये जाके हम फिर अब गैलरी के अंदर इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ये वाली पिक्चर वाली यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, सेव कर दिया। सेम लाइक काम वर्क हम इसके अंदर करेंगे कॉन्टेक्ट अस के अंदर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सेट किया, पेस्ट किया, सेव कर दिया। फिर ये अबाउट अस के अंदर हम जाके काम करेंगे, ये वाले एरिया में फिर सेव कर दिया। अब ये लास्ट हम करेंगे रजिस्ट्रेशन के अंदर काम, ठीक है स्टूडेंट। ये रजिस्ट्रेशन में हमने काम कर लिया और सेव कर दिया। अब आते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ, लीजिए इसमें भी पिक्चर हमारे पास मौजूद है, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस रहता है, चले अबाउट ये फुटर एरिया रहता है, इसको भी थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। अच्छा ये हमारे पास फुटर एरिया है, अब मैं क्या करता हूँ इसको रेज कर देते हैं। इसमें हम करते हैं बीजी कलर, ठीक है, बीजी कलर हम इसमें ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक करके ब्लैक कर लेते हैं। और ये काम किस में, रजिस्ट्रेशन में हम कर रहे हैं, चले थे कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन में ही जाके चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये आखिर में ब्लैक आ गया है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी क्या लिखते हैं, पावर्ड बाय ये कहाँ से है, सन 2021 से टू, ठीक है, ये 2020 से 2000, ठीक है। यहाँ से देख के यहाँ तक करना क्या है, सिर्फ इसका हमने फॉन्ट लगाना है इसके साथ टैग, और इसमें हमने कलर का टैग लगा देना है, ठीक है। अब कलर की क्या करना है, मैं कलर कर देता हूँ इसमें येलो, ये और ये टैग को यहाँ पे हमने कर देना है स्टूडेंट क्लोज, और फिर आते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ठीक है, ये भी हमारे पास आ चुका है। अब हमने इसको ये फुटर एरिया को जितना हमने ये टी आर फोन पे यहाँ से किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आके ये पूरा टी डी को हम कॉपी करेंगे और सबके अंदर इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे।
अब ये अबाउट अस के अंदर जाते हैं, ये वाला फुटर एरिया था ना हमारा, ये वाले फुटर एरिया में हम पेस्ट करते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं। फिर ये कॉन्टैक्ट अस के फुटर एरिया में मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें पेस्ट करता हूँ, और फिर ये गैलरी के अंदर मैं लेके जाता हूँ, हम गैलरी के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, और इसको क्या करते हैं सेव करते हैं। फिर ये होम के अंदर जाके काम करते हैं, तो ये मेरी आज हमारी ये वेबसाइट स्टूडेंट बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये इस वेबसाइट के अंदर कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ आपको इसके अंदर ये सिखाई है, ठीक है। और इसके अंदर आप कुछ भी चीज़ों को आप इजीली जैसे भी हो सके आप इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इस लेक्चर में या किसी भी जगह आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे ये चीज़ें दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें दोबारा से सिखा दूँगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।